नमस्कार बच्चों, एसआरबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 3.5 का बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करेंगे आज। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है बच्चों आपको? दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, 3x-5y = 20। सेकेंड दे रखी है 6x-10y = 40। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस का 20 है, इसको उधर लेके आओ, क्या हो जाएगा माइनस का, ऐसे आप इसमें करोगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 3x-5y - 20 = 0। और इस इक्वेशन में 6x-10y - 40 = 0। इतना करने के बाद में बच्चों हम इसके लिए जो लीनियर इक्वेशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, a1x आगे बच्चों प्लस b1y प्लस में c1 = 0। इसके लिए a2x प्लस में b2y प्लस में c2 = 0। अब देखो हम क्या करते हैं, इसका इसके साथ कंपेयर करते हैं और इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करते हैं और हम a1 b1 और यहां पे c1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहां पे भी a2 b2 की और c2 की वैल्यू फाइंड करोगे। a1 की वैल्यू फाइंड करोगे तो a1 की वैल्यू यहां पे है 3, b1 की है -5, c1 की है -20। यहां पे आ जाओ, a2 की 6, b2 की -10 और c2 की -40। फॉर्मूला क्या होता है, a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। a1 की वैल्यू कितनी है, 3/6, मतलब a2 की पुट कर दी, b1 की -5 और b2 की -10 = -20/-40। मैंने सभी की वैल्यू यहां पे पुट कर दी है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, 3 1 = 3, 3 2 = 6 ऊपर 1, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 20 1 = 20, 22 = 40। तो बच्चों इसमें क्या आ गया आपके पास, 1/2 1/2 1/2। इसमें तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल होता है तो बच्चों उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हो आप, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब काफी सॉल्यूशन होते हैं उस क्वेश्चन के, ठीक है। तो जब a1 / a2 b1 / b2 c1 / c2 तीनों इक्वल आ जाए आपस में तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, बाय, टेक केयर बच्चों।